मोदी सरकार ने एक और नई पहल की। केंद्र सरकार के दफ्तरों में कागज की बर्बादी को लेकर सख्त फरमान जारी किया गया है। सरकारी एक्सपेंडिचर विभाग यानी सरकारी खर्चा का लेखा जोखा करने वाले विभाग ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश के मुताबिक सभी विभागों को पत्र जारी कर कहा है कि सरकार के लिए कागज की बर्बादी बेहद गंभीर विषय है और सभी सरकारी दफ्तरों को कागज की बर्बादी रोकने के लिए ऑनलाइन होना जरूरी है। सभी सरकारी आदेश, नीतियां और निर्देश वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं। यही नहीं, कागज के दोनों ओर प्रिंटिंग की जाए। एक ओर प्रिंट करने से कागज की बर्बादी होती है। पत्र में यह भी निर्देश है कि टाइपिंग के दौरान सिर्फ एक ही स्पेस छोड़ा जाए। छोटे मोटे सुधार के लिए दोबारा टाइप ना किया जाए, बल्कि टाइप पत्र में ही सुधार किया जाए। सभी फॉर्म पर फॉर्मा चिट्ठियां ऑनलाइन भेजी जाएं। पत्रों की पहुंचाने की मानवीय प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। कागज की बर्बादी पर मोदी सरकार सख्त। सभी विभागों को सरकार का निर्देश, सभी विभागों को ऑनलाइन होना अनिवार्य। सरकारी आदेश वेबसाइट पर अपलोड हो। कागज के दोनों तरफ हो प्रिंटिंग। टाइपिंग में एक ही स्पेस छोड़ा जाए। कम गलतियों के लिए दोबारा टाइपिंग ना हो। सरकारी चिट्ठियां ऑनलाइन ही भेजी जाएं। पत्र भेजने की मानवीय प्रक्रिया बंद हो। कागज की बर्बादी पर मोदी सरकार का यह फरमान। और अब सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक शर्मा के पास, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे इस पर। लेकिन अभी एक चीज साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। और फरमान यह है कि कागज की बर्बादी को रोका जाए, और इसके लिए जो एहतियातन कदम बताए गए हैं वो पहले इससे शुरुआत होती है कि ऑनलाइन आना जरूरी है। दीपक शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, पूरी खबर बताएं। मोदी यहां पर दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि जितना भी काम है वो सारा का सारा जो काम है वो ऑनलाइन होना चाहिए, चाहे वो फाइल वर्क हो, चाहे वो कोई वेबसाइट पर अगर कोई भी जानकारी डालनी, सारा का सारा काम ऑनलाइन होना चाहिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि कागज़ का कम से कम प्रयोग करें। मोदी यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई गलती भी हो जाए ड्राफ्ट में, छोटी मोटी गलती, तो आप दोबारा पेपर टाइप ना करें। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं ये 22 अगस्त की चिट्ठी है, कुछ ही दिन पहले की चिट्ठी है। और इस चिट्ठी में 7 पॉइंट दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, मोदी का कहना है कि आप सिर्फ आगे नहीं पीछे भी टाइप करें, सिर्फ आगे टाइप ना करें बल्कि पीछे भी टाइप करें। इसी तरह से सिंगल स्पेस दें, अगर गलती छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं लिखने में तो दोबारा ड्राफ्ट ना टाइप किया जाए बल्कि उसी गलतियों पर सही करके वही ड्राफ्ट प्रधानमंत्री तक पहुँचाया जाए। उनका ये भी कहना है कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, छुट्टी लेते समय एप्लीकेशन ना दें, ऑनलाइन एप्लीकेशन दें, कागज़ से मैनुअली लिखकर एप्लीकेशन ना दें। कुल मिलाकर जो मकसद है, जो उद्देश्य है, जो इसके पीछे मूल जो मकसद छुपा हुआ ये है कि सारे विभागों को, सारे सरकारी कामकाज को मोदी ऑनलाइन करना चाहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि पूरी गवर्नमेंट ऑनलाइन स्विच होना चाहती है, ऑनलाइन मूड में आना चाहती है।